हेलो स्टूडेंट, ये बेसिकली क्वेश्चन है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर मास का। तो देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा तो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास का ही आएगा। ऐसे कभी आप कह लीजिए कोन का या स्फेयर का ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसकी जो डेरिवेशन है, सबसे पहले आप सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, तो ये अगर माने तो ये टोटल लेंथ पे हमने क्या निकाल लिया, एक्स एंड मास का प्रोडक्ट निकाल लिया और ये टोटल मास का आ गया, और मास को डिवाइड कर देंगे तो हमारी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाती है। तो ये इंटीग्रेशन वे से दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एक्स सेंटर ऑफ मास। जनरली हम डीएम की जगह, जैसे पिछली वीडियो हमने डीएम की जगह सीधा मैंने टोटल मास लगा दिया था, क्योंकि वो मास वेरिएबल नहीं था, मास कॉन्स्टेंट था, नॉन यूनिफॉर्म नहीं था। तो यूनिफॉर्म मास में डीएम की जगह हम डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, एम लगा देते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म मास है फिर तो हमें डीएम लेना ही पड़ेगा। तो इसकी अब क्वेश्चन को इसको करना है, तो देखो मेथड तो प्रीवियस वाला ही है, कोई खास फर्क नहीं है, मेथडोलॉजी इज द सेम एज दैट द प्रीवियस। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए मास पर यूनिट लेंथ, जो क्वेश्चन में दिया है मास पर यूनिट लेंथ, वो हमने लैम्डा दे दिया है। क्या दे दिया है, लैम्डा। एंड जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी है, लैम्डा बाय एल इंटू एक्स के, दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले वही डायग्राम, वही हमारा पुराने वाला डायग्राम ही बनेगा। तो वो तो बिल्कुल बेसिक ही है। सपोज मैंने मान लिया ये एक रॉड है और ये x इक्वल टू जीरो है यहाँ पर, और यहाँ पर x इक्वल टू एल है। तो हमने वन लेंथ से सेकेंड लेंथ तक पूछा है, सॉरी ये एक्स एल है। तो हमने वही ऐसे एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लेना है जिसके हमने मास dm और लेंथ dx ले ली, और ये हमें मालूम है ये लेंथ हमारी x होती है और ये छोटा सा dx है, ठीक है। तो ये छोटी सी लेंथ हमारी dx होती है। तो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा क्या होती है, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, यानी स्मॉल मास अपॉन स्मॉल लेंथ, यानी dm बाई dx गिवन है। लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी dm बाई dx है, तो हम इससे dm की वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमारी dm की वैल्यू आएगी वो, यानी ये dx का dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। dm की वैल्यू आ गई हमारी लैम्डा नॉट बाई एल एक्स स्केयर dx। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ dm। दोबारा से देखते हैं इसको, ठीक है। देखो ये हमारा क्या था, ये हमारा था dm। पहले तो देखो ये बताओ लैम्डा क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, स्मॉल मास पर स्मॉल लेंथ, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। तो छोटा m और छोटे dx पे हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, dm बाई dx, dm की वैल्यू निकाल ली। अब तो फॉर्मूला तो यही अलग लगना है, तो जब ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो हम लिखेंगे x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू l x dm, dm की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट बाय l एल एक्स के डी एक्स। तो ये आ गया, इसमें कॉमन है वो निकाल लीजिए, लैम्डा नॉट बाय एल तो कॉमन आ जाएगा, वो आ जाएगा। अच्छा, एक मिनट बताइए, इसके नीचे भी तो हमने डालना है, हमने क्या डालना है, एक्स डी एम, क्योंकि इसमें मास डायरेक्ट तो ले नहीं सकते हम। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एल डी एम। डी एम की वैल्यू कितनी थी वो चेक करते हैं प्रीवियस स्लाइड में। डी एम की वैल्यू है लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर एल डी एक्स। तो इसमें एक एक्स और, जैसे इसमें ऊपर एक एक्स और था, इसमें एक एक्स कम है, तो ये जो आ जाएगा हमारा वो आ गया डीएम की वैल्यू लैम्डा नॉट बाय एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर ये समझ में, तो अब हमने इसकी इंटीग्रेशन देनी है। देखो लैम्डा नॉट बाय एल तो कांस्टेंट ही आ गया, तो इसको तो मार दीजिए, ठीक है इसकी, तो ये कैंसिल कर दी। क्या सर ये एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर ये कैंसिल नहीं करने, पहले इंटीग्रेशन करनी है उसकी, ठीक है, पागलपन मत करना, पहले उसकी इंटीग्रेशन करो। उसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा एक्स फोर बाय फोर, ठीक है, और इसकी अकॉर्डिंग आएंगे जीरो से लेके एल तक, ठीक है सर ये समझ में आ गया। और जब नीचे वाली की इंटीग्रेशन करोगे तो वो कितनी आ रही है, तो सर वो लैम्डा नॉट बाय एल तो कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बाय थ्री आ गया, तो एक्स क्यूब बाय थ्री। तो जब इसकी आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा, अपने आप ट्राई कर लो, वैसे तो दिस द आंसर इज थ्री एल बाय फोर। तो सर ये तो सिंपल था। एक इसका आपको एक और क्वेश्चन दूँ आपको, ना मैंने लैम्डा दे दिया लैम्डा नॉट, जैसे पिछले में एक्स हमारा स्केयर था, तो मैं एक्स स्केयर की जगह एक्स क्यूब ले लेता हूँ, या और भी टफ करना ना, तो देखो क्वेश्चन तो मेरी मर्जी है, किसी मैं एक्स की पावर सपोज मैं देता हूँ टू बाय थ्री, चलो अब और टफ हो गया डिवाइड बाय, मैंने ये दे दिया आपको क्वेश्चन, तो आपने अब ये करना। तो एक मिनट, इसको हम करते हैं एक्स की पावर थ्री
और ये करते हैं एल स्केल। चलो अब ये क्वेश्चन आपका वेरिएबल, आपने इसका सेंट्रल मास कैलकुलेट करना है, कमेंट में भेज देना। ओके थैंक यू।